नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकवाला 13 में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिफ्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और उसके इलेक्ट्रिकल पैनल में क्या क्या डिवाइस लगी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं लिफ्ट का मैकेनिज्म किस तरीके काम करता है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लिफ्ट देख रहे हैं जिसको अपर पार्ट है, उसमें हमारा इंडक्शन मोटर है या फिर हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर, जिसको कि जिसकी शाफ्ट को एक गियर बॉक्स से कनेक्ट करके पुली से कनेक्ट किया हुआ है और पुली को फिर रोप के द्वारा लिफ्ट को अपन कंट्रोल कर रहे हैं ताकि उसका मूवमेंट अप एंड डाउन कर सके। जैसे ही आप कमांड देंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो लिफ्ट है अप कंडीशन में, अगर आप कमांड देते तो अप में जाएगी और मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप कमांड देंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बोथ साइड्स यानी कि बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट मोटर्स हैं जो कि लिफ्ट को ऊपर और नीचे अप एंड डाउन करने के काम में आती है। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे मेन मोटर हो गई, उसके साथ में गियर बॉक्स पुली से कनेक्टेड होते हुए अंदर लिफ्ट्स के रोप के थ्रू वो उसको कंट्रोलिंग कर रहे हैं। इधर अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर जो है उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये हमारी 1380 आरपीएम की 3 फेज की मोटर है जो कि एसिंक्रोनस मोटर है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5.5 किलोवाट की है जो कि जो अपनी लिफ्ट है उसको मूवमेंट करवाने के काम में आ रही है, वो हमारी अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है। आगे हम समझेंगे कि अब ये मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड किस तरीके से करवाती है, लेकिन ये जनरली मेन पार्ट है जो वो अपनी मोटर है जो कि गियर बॉक्स और पुली से कनेक्टेड होकर लिफ्ट को कर रही है। उसी के साथ में इसमें एक ब्रेक मैकेनिज्म भी है जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे ही आपकी लिफ्ट फ्लोर पे आ जाती है तो एक लिफ्ट उसको ब्रेक मैकेनिज्म होता है जो कि मोटर के शाफ्ट को रोक, मोटर की जो गियर बॉक्स है उसको ब्लॉक कर देता है ताकि कि अपनी जो लिफ्ट है वो रुक जाए उस पोजीशन पे आके जिस पे फ्लोर लेवल है, वो हम उसको लिमिट स्विच और सेंसर से सिग्नल देके कमांड दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पैनल है जो कि एक लिफ्ट का है जिसमें मेन रोल जो है वो ड्राइव का है। ड्राइव यहाँ पर मोटर की स्पीड जो कि लिफ्ट जैसे स्टार्ट होती है तो स्लो स्पीड पे यानी डबल स्पीड पे काम करती है, तो इसमें हाई स्पीड और लो स्पीड सेट करते हैं ताकि जो लिफ्ट है अगर मूवमेंट में है तो फास्ट चलती है और जैसे ही फ्लोर पे पास में आ जाती है तो वो स्लो हो जाती है, स्लो होके रुकती है और उसमें ब्रेक और ये दोनों सिस्टम काम में करते हैं। उसके अलावा इसमें पीसीबी कार्ड्स हैं जो कि अप एंड डाउन और लिफ्ट को कि ड्राइव को कमांड देने के काम में आते हैं कि अपवर्ड जाना है डाउनवर्ड जाना है। लिमिट स्विच की कंट्रोलिंग हो गई, लिमिट गेट ओपन हो गया और क्लोज हो गया, फैन स्विच और उसके अलावा भी इमरजेंसी अलार्म है, ARD सिस्टम है, वो इसमें अपन पैनल में यूज में लेते हैं ताकि हम लिफ्ट को प्रॉपरली ऑपरेट कर सकें और काम में ले सकें। ड्राइव का मेन रोल यही है कि मोटर की स्पीड को फिक्स करती है और डबल स्पीड बनाती है ताकि कभी जब हमको फास्ट स्पीड की ज़रूरत है तो फास्ट स्पीड उसको अचीव होती है और जब फ्लोर के पास में आ जाती है तो वो फ्लोर के पास आते ही वो स्लो स्पीड में उसको डबल स्पीड यानी कि वो उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देती है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर्स मोटर को ऑपरेट करने के लिए कॉन्टैक्टर हो गए, सिलेक्टर स्विच हो गए, अगर आप मैनुअल में भी यूज में ले सकते हैं तो इसको मैनुअल यूज में ले सकते हैं। उसी के साथ में रिले जो आउटपुट्स है उनके कंट्रोलिंग के लिए और जनरली कंट्रोल वायरिंग है जिसको हम मोटर को ऑपरेट कराने के लिए यूज में लेते हैं। उसके अलावा इसमें एक ARD सिस्टम और रहता है जिसे हम ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस भी कहते हैं, जो कि अगर मान लीजिए इन केस इमरजेंसी में पावर कट ऑफ हो जाती है तो वो क्या होता है कि ARD सिस्टम एज ए UPS सिस्टम काम करता है और वो लिफ्ट को
जैसे कि मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर बीच में फंस गए तो अगर ये क्या, ये एआरडी सिस्टम क्या करेगा कि आपको जो पास वाला फ्लोर है, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर के पास में हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे लाके आपको पावर कंडीशन, फेलर की कंडीशन में आपको वो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके छोड़ देगा और आप उसमें आसानी से पावर फेलर के कंडीशन में बाहर आ सकते हैं, तो वो ऑपरेट होती है। अब ये लिफ्ट का ऑपरेशन हो गया, तो ये एक मैक्सिमम स्पीड पे चली और फिर स्लो हो गई जैसे कि मैंने बताया था, और ये ब्रेक लग गया, जैसे ही फ्लोर पे आ गई ब्रेक लग गया। लिफ्ट पहले फास्ट स्पीड में चलती है, जैसे ही फ्लोर के पास में आ जाती है तो उसमें ब्रेक मैकेनिज्म काम करता है और वो ब्रेक स्लो हो जाता है, जैसे कि आप एक लिफ्ट को चलते हुए देख रहे होंगे। अब जैसे ही ये फ्लोर के पास में जाएगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ये डबल स्पीड पे काम करती है जो कि हम ड्राइव से एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्लो हो गई इसकी स्पीड और ये ब्रेक लग गया। अब इस कंडीशन में ये ब्रेक लग गया, तो ये पूरा मैकेनिज्म है लिफ्ट का। उसी के साथ में हमारी यहाँ एसओपी भी लगी हुई है जो कि इसको इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है, ये मैनुअल ऑपरेशन हो गया। उसके बाद में प्रोसीजर, डोर को ओपन करना है तो उसका प्रोसीजर हो गया। तो जनरली ये लिफ्ट का मैकेनिज्म है जिसको यूज में लेते हैं और इस तरीके से हमारी लिफ्ट काम करती है, और ये आजकल के लिए बेसिक नीड हो गई है जो कि हर घरों में यूज में आती है।